नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली के प्रसिद्ध स्थल बुद्धा जयंती पार्क के बारे में। यह पार्क न केवल खूबसूरत बगीचा है, बल्कि यहाँ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की भी कहानी है। दिल्ली के इस पार्क में आप शांति और सुंदरता का अनूठा अनुभव कर सकते हैं। चलिए इस पार्क के बारे में विस्तार से बातें करते हैं। झंडे बालान यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, जो कि बुद्धा जयंती पार्क के आसपास ही आता है, और आप कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन से भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैब सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध हैं। बुद्धा जयंती पार्क के से पिंक लाइन भी आप ले सकते हैं और ब्लू लाइन भी इधर आ सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कैब से या ऑटो से आ रहे हैं तो 10-5 मिनट में ही आपकी दूरी हो जाएगी, डिपेंड करता है कि आपका ट्रैफिक क्या है। और सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से जैसे कि राजेंद्र नगर पैलेस, ब्लू लाइन और कीर्ति नगर तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आसपास इसके करीबी स्टेशन है। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं बुद्धा जयंती पार्क में, और यहाँ पे सबसे पहले हम बाल बोधि वृक्ष की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ बाल बोधि वृक्ष क्या चीज़ है, उसके बारे में अभी मैं डिटेल में बाद में करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि बुद्धा जयंती पार्क की डिजाइन बहुत सुंदर है। यहाँ की हरियाली, फव्वारे, सुंदर झीलें इसको अद्वितीय बनाती हैं। और यहाँ के मिडिल में एक पार्क के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा है, जो पार्क की शोभा को और सुंदर बना देती है। पार्क के चारों ओर हरी भरी घासें हैं, फूलों की क्यारियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो ये भी जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो जिससे हम पार्क का एक अच्छा आनंद ले सकते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि इसको कपल स्पॉट के रूप में देखा जाता है। यहाँ जो नए नए कपल होते हैं वो आके यहाँ इंजॉय करते हैं और अपने टाइम का स्पेंड करते हैं। तो मैंने भी यहाँ कुछ ऐसे कपल देखे, जो जैसा कि सुनने में आया था वैसा ही मुझे यहाँ काफ़ी कपल वगैरह दिखाई दिए, बट मैंने कोशिश किया कि उनको ना फिल्में आ जाए, जिससे कि किसी की भी प्राइवेसी को कोई चोट ना पहुँचे। बट आई थिंक हमारी संस्कृति के अनुसार ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ दुर्घटना सुनने में भी आई थी। तो आप अगर किसी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो अच्छा है, बट आप उसके कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, एंजॉय करो और अपने माहौल का, अपने धार्मिक माहौल का आनंद उठाओ। यहाँ की क्लीनिंग देखो, माय गॉड कितना क्लीन लग रहा है। दिल्ली का है पार्क, लेकिन फील नहीं हो रहा कि दिल्ली के मिडिल में, मेन दिल्ली के मिडिल में इतना साफ़ सुथरा स्थान भी हो सकता है। तो वेल प्लान्ड, वेरी क्लीन पार्क है ये, तो एंजॉय करो। यहाँ जगह जगह वॉशरूम भी बने हुए हैं, बैठने के लिए चेयर बनी हुई है, रेस्ट एरिया भी बीच बीच में बने हुए हैं, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो और पिकनिक अच्छे से मना सकते हो। बट यहाँ पर देखिए आप हर तरह के वृक्ष भी लगाए हुए हैं और सभी वृक्षों के ऊपर नाम भी लगाया हुआ है नीचे। तो अभी हम बोधि वृक्ष की ओर जाने वाले हैं। तो इस पार्क में स्थित बाल बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्व रखता है, और अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये पार्क में कैसे आया और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है, और यह वही वृक्ष है जिसके नीचे भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ध्यान और साधना करके बोधि को प्राप्त किया था, जो कि आज बुद्ध के रूप में जाना जाता है। इस वृक्ष के प्रति बौद्ध धर्म के अनुयायियों में काफ़ी अत्यधिक श्रद्धा है, और वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन का केंद्र बिंदु मान के चलते हैं। इसे मानते हैं कि ये बाल बोधि वृक्ष मेन वृक्ष का एक छोटा संस्करण है, जिसको कि नेपाल के मेन बोधि वृक्ष के मूल वृक्ष में से और एक पौधा लिया गया है, जो कि यहाँ प्रत्यारोपित किया गया है, जो कि भगवान बुद्ध की 2500 साल बाद पुण्यतिथि के अवसर पर इसका निर्माण किया गया है। तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस जो बाल बोधि वृक्ष है, इसकी पत्तियां जो होती हैं छोटे छोटे, आप जैसे पीपल होता है ना, पीपल के आकार की इसकी पत्तियां होती हैं, पूजा में और ध्यान पूजा में इसका बहुत विशेष महत्व होता है। हमारे प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा का तो आपको स्मरण होगा ही, जिसने कि इसका और भी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व बढ़ा दिया है। इफ़ यू लव्ड योरसेल्फ यू कुड नेवर हर्ट अनदर, मीन्स अगर आप खुद को प्यार करते हो तो आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। ये भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी शिक्षा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बुद्ध की, इस भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा भी लगी हुई है इसमें अंदर। तो नेवर सी वाट हैज़ बीन डन ऑन, सी वाट रिमेन्स टू बी डन, मतलब आपको ये नहीं देखना कि क्या हो चुका, आप ये देखिए कि क्या करना है आपको। तो देखिए अब ये प्राकृतिक सुंदरता हमको बहुत अच्छी लगी। यहाँ ये सारे जो डक हैं, डक अपने प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैं बीचों बीच भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
जो कि पाक के केंद्रीय स्थल में स्थित है और जो लगभग 16 फीट ऊंची है और ये बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसका दर्शन करने से यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक जो एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव करते हैं। गैस व्हाट इज दिस गाइस, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। ये मैंने एक आइडिया लगाया है कि शायद किसी भी जीव जंतु के, आप नेवला भी कह सकते हैं, नेवले के किसी के भी ये बावी हो सकती है। बड़े बड़े चीटों की बावी होंगी और क्या है, राइनो सांप की भी हो सकती है। कितने इतने छोटे बड़े बड़े मुँह की फब्बारे और झीलें भी हैं जो इस यहाँ के वातावरण को ठंडक प्रदान करते हैं और जो यहाँ ग्रीनरी की जो ट्रेल्स बनाई हुई है इससे भी काफ़ी सुंदर फील होता है। यहाँ पे आप यहाँ एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हो, फैमिली पिकनिक स्पॉट के रूप में भी यूज कर सकते हो। पार्क में पिकनिक मनाने के लिए भी बड़ी बड़ी जगह बनाई हुई हैं, काफ़ी सारे बेंचेस बनाए हुए हैं। परिवार के साथ आप अपने दोस्तों के साथ एक सुखद अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। इसके चारों ओर अब इसके बारे में थोड़ा सा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में बात करना चाहूँगी। बुद्ध जयंती पार्क का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यहाँ भगवान के बुद्ध की जीवन की शिक्षाओं से संबंधित कई धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव मनाए जाते हैं। विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है और कार्यक्रम आने जाने आयोजित किए जाते हैं जिससे कि भक्तगण बड़े श्रद्धा भाव से देखते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप दिल्ली में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर बुद्ध जयंती पार्क में आने का जरूर प्लान बना रहे हैं। कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहती हूँ बुद्ध पार्क के बारे में कि यहाँ पर एक मेडिटेशन केंद्र भी है जहाँ से आप मानसिक शांति और आत्मा की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं जो लोग, वो यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे संग्रहालय भी है जहाँ के बौद्ध धर्म से रिलेटेड वस्तुएं, चित्र और ऐतिहासिक दस्तावेज भी आपको मिलेंगे जहाँ की उसके बारे में आप दर्शन को समझने में यूजफुल होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट की ओर। तो यहाँ पे एक बुद्धा पार्क के मिडिल में एक रेस्टोरेंट भी आपको मिलेगा। चलते चलते थक गए थे तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और यहाँ पे जो भी मेनू है उसका आनंद उठाया जाए। तो हम अंदर गए तो आपको अपनी पसंद की इंडियन, साउथ इंडियन और कॉकटेल टाइप से काफ़ी कुछ यहाँ अवेलेबल था। तो हमने यहाँ अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ऑर्डर की और हमने उसका आनंद उठाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा अपनी थकान दूर की और फिर से हम घूमने के लिए निकल गए। तो आप ही आइए, इसमें आपको रिलैक्स करने को मिलेगा क्योंकि हम मॉर्निंग के टाइम गए थे तो काफ़ी कम लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ सुनने में आता है कि काफ़ी रश बुद्धा पार्क में आता है और इन्जॉय करता है। तो कैसा लगा आपको ये पार्क? ये ऐसा स्थान है जहाँ धार्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, शैक्षिक मूल्य का संयोजन आप पा सकते हो। बहुत सुंदर स्थान है ये, बट यहाँ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। आपको यहाँ जगह जगह कपल भी दिखाई देंगे जो कपल, मतलब यहाँ कुछ एक दुर्घटना भी सुनने में आई थी कुछ समय पहले, तो जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने आना थोड़ा कम कर दिया है। तो ध्यान रखिए, अपने धार्मिक स्थलों के महत्व को समझिए और इस तरीके से कुछ भी गलत काम ना कीजिए। इधर यहाँ हर चीज़ की सुंदरता को फील कीजिए और हर किसी को ऐसा माहौल बनाइए अपने देश में कि हर लड़की, हर व्यक्ति, हर बच्चा यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और जब भी आप दिल्ली आते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो इधर आने का प्लान कीजिए, वास्तव में बहुत सुंदर पार्क है ये। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।